वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। भाई दया सिंह जी अपनी लिखत विच लिखते हैं कि एक दिन मैं संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालियां दे पास गया। उस समय बाबा जी बचन कर रहे सन कि मनुख नू हमेशा माड़े कर्मा तो बचना चाहिदा है। गुरबाणी नू विचार नाल पढ़ के गुरबाणी जेड़े माड़े कर्मा तो सानू रोकती है उसका त्याग करना चाहिदा है अते जेड़े चंगे कर्म करन लई गुरबाणी प्रेरदी है ओही कर्म करने चाहिदे हन। गुरबाणी विचों सानू नित नवी अगवाई मिलदी है। इसे लई सतगुरु जी ने सानू हुक्म कीता है कि साडा सिख हर रोज सत बाणियां दा नितनेम जरूर करे। गुरबाणी दे पाठ विचों जीवन सेध मिलदी है। भाई दया सिंह जी ने दसिया कि जदों बाबा जी मुड़ मुड़ के बाणी पढ़न लई जोर दे रहे सन तां मैथों रहा ना गया। मैं अपनी समझ अनुसार बाबा जी नूं कहा कि तुसी मुड़ मुड़ के बाणी दा पाठ करन लई कही जांदे हो। बाणी पढ़न वाले भी केड़ा सारे सुखी हो गए हन। उन्हां नूं भी कईआं नूं लक घसीट घसीट के तुरना पै रहा है। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। दया सिंह जे किसे बानी पढ़न वाले शरीर नु कष्ट है तां ओह उसदे अपने कीते कर्मा दा फल है। दद्दे दोष ना देव किसे दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जना। इस विच गुरबाणी दा तां कोई दोष नहीं। गुरबाणी पढ़न नाल तां कर्म कट जांदे हन। बाणी पढ़न वाला गुरमुख शरीरक दुख नु अपने कर्म दा भुगतान जान के ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਚੁੱਪ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ साखी शुरू करने तो पहले आप जी अगे बेनती है अगर वीडियो चंगी लगे तो इस नू लाइक अते शेयर जरूर करना जो चैनल ते नवे हन सब्सक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस व्यक्ति दी भाई दया सिंह जी गल कर रहे सन उस व्यक्ति का नाम संतोख सिंह सी अते उसने संत बाबा हरनाम सिंह जी पासों ही अमृत छकिया सी पर उसनू कसीट कसीट के चलना पैंदा सी। बाबा जी ने भाई दया सिंह नू दसिया कि पिछले जन्म विच इसनू मनुख दे प्राप्त सी गुरु जी का डर पै तां सी इसनू पर यह बहुत क्रोधी सी। एक दिन यह बाहरों काम कार करके थक टुट के आया ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗ੍ਰਾਹੀਆਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚੌਂਕੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਕੁੱਕਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਥਾਲੀ ਸੁੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ
कुत्ता उठिया अते थाली विच पए प्रसादे नूं थोड़ी दूर लिजा के खान लग पिया अते जदों इह व्यक्ति वापस आया अते थाली नूं खाली वेख्या अते अगां निगाह मारी तां थाली वाले प्रसादे कुकर बड़ी मौजां नाल खा रहा सी। इह वेख के इस नूं इन्ना क्रोध आया कि इसने लागे पई डांग चुक लई अते अवेसले रोटी खा रहे कुत्ते दे वल चौके मारी अते ओह डांग उस कुत्ते दे लक विच जाके वज्जी जिस नाल उसका लक टुट गया। हुण ओह कई चिर उथे कुरलाहट पाउंदा रहा अते इस दे मन नूं पछतावा भी लगा पर क्रोध ने तां अपना काम करवा ही लिया सी। ओह कुत्ता सारी उम्र जिन्ना चिर जिउंदा रहा लक टुटन सदका लक कसीट कसीट के उसने समा गुजारिया। अपनियां अगलियां लत्तां दे आसरे ही सारा जीवन उस कुत्ते ने बतीत किया। हुण जेकर इह व्यक्ति संजम अते सबर तो काम लैंदा विचार लैंदा कि ओह प्रसादे जो कुत्ता लै गया है मेरे खान दे तां रहे नहीं अते ना ही इस नूं मारन नाल मुड़ के ओह सुच्चे हो जाने हन इह इस दे ही भागां दे लिखे होने हन सोच विचार कर लैंदा ता उस करम तो बच जाना सी। करम करन लग्या ता जरा भी सोच विचार तो कम नहीं लिया अते जे हुण उस कीते करम दा भुगतान करना पै रहा है ता तेरे वर्गे किंतु परंतु करदे हन। भावें संतोख सिंह ओख नाल ही तुरदा है पर गुरबाणी पढ़न सुनन सदका गुरु ओट आसरे इह दुख उस नूं बहुत दुखदाई नहीं पसदा सबर संतोख नाल दिन कटदा है। इह गुरबाणी दी ही बरकत है जे ओह गुरबाणी तों दूर हुंदा तां सबर शुक्र दी थां परमेश्वर नूं उलामे मारदिआं झोरे विच समां बतीत होणा सी। इसे लई ही गुरदेव पंजवें पातशाह जी ने गुरबाणी विच हुकम कीता है नह बिलंब तरमरंग बिलंब पापंग पाप करन तों पहलां देर करनी चाहीदी है उस पाप करम दे मिलन वाले फल प्रति सोचना चाहीदा है। कई वारी देर करन नाल पाप करन दा समां टल जांदा है। जपजी साहिब दी पौड़ी विच श्री गुरु नानक देव जी ने भी लिखिया है जिहो जिहा मनुख इस शरीर नाल बीजदा है पाव कर्म करदा है उस नूं ओह जिहा ही फल खाना पैंदा है पाव उस दा फल भुगतना ही पैंदा है। आपे बीज आपे ही खाओ इस शरीर रूपी खेत विच तुसी जिहो जिहा कर्म करोगे उस दा फल भी उसे अनुसार भुगतना पवेगा। इह जो शरीर भी सानू परमेश्वर ने दिते हन इह भी कर्मा करके ही मिले हन। किसे दा सोना अरोग सडोल शरीर है किसे दा कुरूप कोजा कोई अंगहीन है कोई मतहीन है इह सब पूर्वले कीते कर्मा अनुसार ही चलदा है। सतगुरु नानक पातशाह जी ने ता जपजी साहिब दी चौथी पौड़ी दे अखीर विच बड़ा स्पष्ट लिखिया है करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार कर्मा करके शरीर रूपी पुशाका मिलता है परमेश्वर दी रहमते नजर नाल बंदा खलासी हो जाता है। परमेश्वर दे दर विच तां गुरु हुकम अनुसार मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना इस शरीर नाल जो कुछ माड़े चंगे मनुख कर्म करता है उसका फल अवश्य उसनों भुगतना ही पैंदा है। परमेश्वर ने मनुख नूं कर्म करन दी स्वतंत्रता दित्ती होई है पर कीते होए कर्मा दे फल नूं भोगण लई मनुख परतंत्र है। सो इस लई कोई भी कर्म करना होवे पहला उस दे मिलन वाले फल दा लेखा जोखा अवश्य कर लेना चाहिदा है। गुरबाणी विच त्रैकाल सच्चाई दर्शाई होई है गुरबाणी अते नाम सिमरन कीते माड़े कर्मा दे फल नूं घटा जरूर दिंदा है। इस विच रंजक मात्र भी कोई शक जां दुबधा दी गुंजाइश नहीं। कोर दुख्यंग अनित हत्यंग जन्म दरिद्रंग महाभिख्यादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कासट पसमंग क्रोध। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।